दोस्तों पिछले वीडियो में नेचरिस्ट का जेडीएमए सप्लीमेंट के बारे में बात किए थे। जेडीएमए क्या है, इसे इस्तेमाल क्यों किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में, इसका बेनिफिट्स, डोजेस, सब कुछ उस वीडियो में हम डिस्कस किए थे। और उस वीडियो के रिगार्डिंग मेरे एक दोस्त, मेरे एक सब्सक्राइबर अमित नाम है उसका, उसने पूछा है क्या वो जेडीएमए और जिंक को एक साथ यूज कर सकते हैं या कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसके लिए, जेडीएमए या जिंक। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आई होप वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जेडीएमए एक ऐसे सप्लीमेंट है जिनमें जिंक और मैग्नीशियम के साथ विटामिन B6 मौजूद होता है। ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एथलीट की मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ में। जेडीएमए टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर देता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के लेवल को लगभग 5% तक इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके मसल रिपेयर और भी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। जिंक बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसाइज को इंक्रीज करता है, इनसे मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और फैट बर्निंग प्रोसेस में काफ़ी मदद करता है। देखिए जिम में जब आप वर्कआउट करते हो तो बहुत ही पसीना निकलता है, आपके भी और मेरे भी, तो पसीने के थ्रू मैग्नीशियम और जिंक हम लॉस्ट कर देते हैं। तो उसे रिकवर करने के लिए हमें चाहिए जिंक और मैग्नीशियम। और उन लोगों को जो ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उसका पसीना ज़्यादा आता है, तो उनके लिए जिंक बहुत ही मायने रखते हैं। चलिए जानते हैं जेडीएमए और जिंक में से कौन सा बेटर है। देखिए आप जब जिंक और मैग्नीशियम सप्लीमेंट को अलग अलग खरीदते हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जिंक और मैग्नीशियम जो जेडीएमए में यूज होता है वो है जिंक एस्पार्टेट और मैग्नीशियम एस्पार्टेट। ये दोनों ही बहुत ही जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। मेरे पास जो जेडीएमए है उनमें जिंक है 30 mg, मैग्नीशियम है 450 mg और विटामिन B6 है 6 mg, जो कि प्रॉपर डोसेज है। जेडीएमए की डोजेज की बात करें तो एक टेबलेट आपको सोने से 1 घंटे पहले लेना पड़ेगा, इससे आपकी नींद की क्वालिटी और भी अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको जिंक लेने की जगह पे जेडीएमए को सजेस्ट करूंगा। देखिए जिंक बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन नॉर्मली आप 50 mg से ज़्यादा एक टाइम पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और किसी किसी के बॉडी में ये अगर एब्जॉर्ब हो भी जाए तो उनके इम्यून सिस्टम को हानि हो सकता है। और मैग्नीशियम को अगर आप 450 mg से ज़्यादा डोसेज में इंटेक करोगे तो आपकी स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन है आप जेडीएमए को ही चूज कीजिए। और एक अच्छे क्वालिटी का अच्छे जेडीएमए सप्लीमेंट की खोज अगर आप कर रहे हो तो नेचरिस्ट का ये जेडीएमए सप्लीमेंट आप खरीद सकते हो। ये 60 कैप्सूल आता है जो आपको लगभग 500 से 600 रुपीस के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।